हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ घर पे फेशियल, और इसके लिए मेरे पास है पॉन्ड्स का ये नया फेशियल किट जिसका नाम है पॉन्ड्स विटामिन ब्राइटनिंग फेशियल किट। इसका दो वेरिएंट आता है, एक तो है ये और दूसरा है एंटी पोल्यूशन चारकोल फेशियल किट। मैंने इसको चूज किया है क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम है, दिवाली है सामने, तो अभी मुझे थोड़ा सा ग्लोइंग सा स्किन चाहिए, इस वजह से मैंने ये ग्लोइंग वाला फेशियल किट चूज़ किया है। ये आपको नायका में मिल जाएगा। इसका ओरिजिनल प्राइस है सिर्फ 300 रुपीज़, जो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, और आप इसको घर में बहुत ही आसानी से इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको नायका में मिल जाएगा। नायका में इसका प्राइस अभी शायद 30% ऑफ भी है, तो आपको ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हो। बाहर का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम सलोन जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो ये पॉन्ड्स ने बहुत ही अच्छा सोचा कि हम घर पे बैठ के ही बहुत ही अच्छे से, मतलब सिंपल तरीके से हम फेशियल कर सकते हैं। तो इसके पैकेजिंग से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब अंदर हमें क्या क्या मिलता है, और उसके बाद हम इसका बेनिफिट्स और क्या क्लेम है इसका, और इसका पूरा डेमो और ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये फेशियल किट ऐसे एक बॉक्स में आता है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे ट्यूब्स मिल जाएंगे, मतलब सैशे नहीं, बाकी सब जो फेशियल किट होते हैं उनमें सैशेस आते हैं। तो क्या होता है, आप उसको एक ही टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ट्यूब में आता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और पीछे आपको सभी ट्यूब्स के अंदर के क्वांटिटीज़ आपको इधर लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे क्लींजर 20 ml का है और बाकी जो 5 चीज़ें हैं, बाकी जो 5 ट्यूब्स हैं वो सब 12 grams करके ईच इसके अंदर क्वांटिटीज है। और इस साइड में आपको सभी स्टेप्स और उसके अंदर उसका विटामिन, आई मीन उसके बेनिफिट्स शायद इधर मिल जाएगा आपको। आप इधर पढ़ के, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप अच्छे से एक एक करके ट्यूब्स का आप इस्तेमाल कर सकते। तो अंदर आपको ऐसे एक छोटा सा पेपर का बना हुआ एक ट्रे मिल जाएगा, जिसके अंदर ये 6 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट्स में आप देखो जैसे स्टेप लिखा हुआ है, जैसे इधर 1, इसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, सब में नंबर्स दिए हुए हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसके बाद किसका अप्लाई करना है, आप आसानी से ये पढ़ के आप कर सकते हो। और इंस्ट्रक्शन इधर लिखा हुआ है, एक एक ट्यूब कैसे इस्तेमाल करना है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ब्रांड का जो क्लेम है वो ये है कि इसका अप्लाई करने से आपको सलोन लाइक ग्लोइंग स्किन आपको घर पे बैठ के ही मिल जाएगा। इसका अप्लीकेशन करके हमें पता चलेगा क्या सच में हमें ग्लोइंग स्किन मिलता है या नहीं। तो चलिए फटाफट अप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें यूज़ करना है ये क्लिंजर। क्लिंजर के बॉटल के ऊपर आपको नंबर 1 लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसको हाउ टू यूज़ इसके पीछे भी मिल जाता है और बॉक्स में भी मिल जाता है। इसमें लिखा हुआ है, अप्लाई ऑन द फेस एंड नेक, मसाज इन स्मॉल सर्कुलर स्ट्रोक्स फॉर 2 to 3 minutes एंड वाइप ऑफ विथ मॉइस्ट कॉटन। तो हमें इसको 2 से 3 मिनट तक इसका सर्कुलर मोशन में इसका अप्लाई करना है, और उसके बाद वेट कॉटन से इसको वाइप अप कर लेना है। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन लेंगे, लोशन जैसा है, और इसका हम अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये जो फेशियल किट है ये ऑल स्किन टाइप है, तो आप कोई भी स्किन टाइप का हो आप इसका अप्लाई कर सकते हो। क्लिंजर में विटामिन ई इन्फ्यूज्ड है, और इसको आपको 2 से 3 मिनट तक ऐसे सर्कुलर मोशन में नेक एरिया तक अच्छे से इसका अप्लाई कर लेना है। इससे आपकी सारी इम्प्योरिटीज जो होते हैं स्किन के, ये निकल जाएंगे। क्लिंजर अप्लाई हो जाने के बाद हम इसको ऐसे वेट कॉटन पैड से इसको साफ कर लेंगे। आपको जितना यूज़ करना है आप यूज़ करके इसको ऐसे ढक्कन लगा के रीयूज़ करने के लिए आप रख सकते हो, जो कि इस फेशियल किट की बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेप का अप्लाई हो गया, अभी हम जाएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में है स्क्रब। ये सेम वे में आपको अप्लाई करना है,
5 से 6 मिनट्स तक इसको सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, और उसके बाद कॉटन मतलब वेट कॉटन से इसको साफ कर लेना है। और इसमें एनरिच्ड है वॉलनट शेल पाउडर, जो बहुत ही अच्छे से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो चलिए इसका अप्लाई अभी स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रब के ट्यूब से हमें जितना सा चाहिए हम उतना पोर्शन ले लेंगे, और बाकी का आप स्टोर करके नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक बहुत ही अच्छा फ्रूटी सा स्मेल है, और इसका जो ग्रेन्स है ना वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो नोज एरिया से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नोज एरियाज में और स्पेशली टी जोन में हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और इधर ओपन पोर्स भी होते हैं। तो इसको हम सर्कुलर मोशन में 5 to 7 मिनट्स इसका हम मसाज करेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई है, मैं थोड़ा सा वाटर लेके, हाँ अभी ये बहुत ही स्मूथली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। स्क्रब करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो थर्ड जो स्टेप है उसमें आता है ये नरिशिंग क्रीम, ये थर्ड स्टेप है, और इसका एप्लीकेशन है, इसको आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। और ये इन्फ्यूज्ड है विटामिन B3 और विटामिन E से, जो कि आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करेगा। ये भी सेम ट्यूब में आता है, और ये एकदम जेल टाइप है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका टेक्सचर एकदम जेल टाइप है, आई मीन कंसिस्टेंसी एकदम जेल टाइप है। और इसको भी हमें थोड़ा सा लेके, आप देख सकते हो ये एकदम जेल टाइप है, तो इसको हमें अप्लाई कर लेना है जब तक के ना ये स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाए। आप कोई भी स्टेप अप्लाई करो, बस आपको याद रखना है ये आइज का जो पोर्शन है इसको छोड़ के आप अप्लाई करना। ये क्रीम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है और एकदम जेल टाइप है, तो ये धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो रहा है और स्किन ड्राई होते जा रहा है। तो हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप है नंबर 4, और नंबर 4 में आता है मसाज क्रीम। और मसाज क्रीम में आपको करना क्या होगा, इसको 10 से 15 मिनट तक आपको इसको मसाज करना है, और ये इन्फ्यूज है ग्लिसरीन और विटामिन ई फॉर्मूला से, जो आपके स्किन को हेल्दी ग्लो देगा और मॉइस्चराइज करेगा। थोड़ा सा येलोइश, शायद ये कैमरे पे ना दिखे, येलोइश इसका कलर है। इसको हमें लेके अभी मसाज करना है, इसको आपको 10 से 15 मिनट तक स्किन पे, आई मीन फेस पे और नेक एरिया पे आपको इसका अप्लाई करना है, और अपवर्ड्स मोशन पे आप अप्लाई करना। कोई भी मसाज वाला क्रीम हो अगर, तो आपको ऐसे अपवर्ड्स मसाज करना है। मेरे फेस के लिए उतना अमाउंट बहुत ही कम है, ये बहुत ही ब्रॉड फेस है मेरा, तो मैं थोड़ा और ले लेती हूँ। तो इसको हमें अपवर्ड मोशन पे ऐसे इसका हमें मसाज कर लेना है। इसको भी मैं वेट कॉटन से साफ कर लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि पानी से धोने की जरूरत है तो आप पानी से भी धो सकते हो। सो 5 नंबर स्टेप में आता है फेस पैक। अभी हम फेस पैक अप्लाई करेंगे, और फेस पैक में इंस्ट्रक्शन है, फेस पैक नहीं एक्चुअली ये फेस मास्क है। फेस मास्क का नाम दिया है पॉन्ड्स वीटा मास्क। इसमें है क्ले, ग्लिसरीन, विटामिन ई एंड B3। ये रिमूव करता है एक्सेस ऑयल और आपके स्किन को टाइटनिंग करता है। इसको भी आपको लगा के 10 या 15 मिनट तक इसको रखना है, और उसके बाद पानी से इसको धो लेना है, और आईज एरिया में आपको छोड़ के इसका अप्लाई करना है। वाओ, ये बहुत ही गाढ़ा है एकदम, मेरे फेस में बहुत चाहिए होगा, इतने से नहीं होगा। तो हम इसका अप्लाई कर लेते हैं एक थिन लेयर बना के। इसका स्मेल थोड़ा अजीब है, शायद क्ले है इस वजह से, आपको मैंने बताया था ना मेरे फेस पे नहीं होगा इतने से, थोड़ा सा मिंटी, हाँ मिंटी स्मेल है, कूलिंग इफेक्ट है इसका। एकदम हम जैसे फेस मास्क जैसे अप्लाई करते हैं, वैसे इसको पूरे फेस पे आपको अप्लाई कर लेना है।
तो 15 मिनट्स हो गया है मैंने इस फेस मास्क का अप्लाई किया है, इसको धोने का टाइम आ गया है, मैं इसको पानी से साफ करके आपको दिखाती हूँ। फाइनली फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया है और लास्ट का एक स्टेप बाकी है जो कि है ये फिनिशिंग क्रीम। इसके बारे में लिखा हुआ है ये है इसका मतलब इसमें इन्फ्यूज्ड है विटामिन B3 एंड 12HSA, इट गिव्स यू स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन। इसको नॉर्मली जैसे आप क्रीम का यूज़ करते हैं वैसे ही आपको इसका यूज़ कर लेना है। तो चलिए हम इस फाइनल स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेश लुक आता है इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद, बट ये क्रीम थोड़ा सा ड्राई है, मतलब फेस पे लगाने के बाद ही ये एकदम सूख जाता है। ऑयली स्किन है जिन लोगों के, उनके लिए ये क्रीम बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा एकदम रिफ्रेश लुक भी आता है इसमें। तो फाइनली हमारा फेशियल हो गया कंप्लीट। तो फेशियल स्टार्ट करने से पहले और अभी फेशियल ख़त्म करने के बाद आप मेरे स्किन को देख सकते हो, थोड़ा सा ग्लोइंग इफ़ेक्ट तो आया है, इंस्टेंट ग्लोइंग उतना ज़्यादा फेशियल में एकदम इंस्टेंटली नहीं मिलता है, एक दो दिन जाने के बाद मिलता है, बट अभी के लिए तो अच्छा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि इस बजट में और घर पे बैठ के करने के लिए ये बहुत ही एक बजट फ्रेंडली फेशियल किट है। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखना, और एक बार क्या, आप अगर एक बार इसको परचेस करोगे तो आपका 3/4 टाइम तो ये चल जाएगा। और अगर आप मेरी तरह हो जिसको सलोन में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, आपके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। और इस टाइम में लॉकडाउन में अगर आप घर पे बैठ के फेशियल करना चाहते हो उसके लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, बाय।